हाल ही में मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र में बगैर नाली निर्माण के राशि आहरित करने के मामले में नगरपालिका के अध्यक्ष व तत्कालीन सीएमओ सहित 6 के खिलाफ प्रशासन ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सुरदा पंचायत में सरपंच व सचिव ने ऐसे ही कारनामे की पुनरावृत्ति की है, जहां 15वें वित्त की राशि को बगैर सीसी सड़क निर्माण के 2,95,000 रुपए आहरित कर हजम कर लिया गया। हमारे जानकारी नहीं, जो पैसा निकाल चुके हैं और खा चुके हैं सर, इसमें पैसा और 2 घर के लिए फायदा बनाए हैं और 10 घर है, 20 घर भी उसके गली में पूरा कीचड़ है। नाली निर्माण किए हैं पानी के लिए, उसको भी नहीं प्रस्ताव नहीं किए हैं, प्रस्ताव दिए हैं उसको नहीं बनाए हैं, आज तक के नहीं बनाए हैं। बार बार 2 बैठक 4 बैठक 6 बैठक में बोल चुके हैं इस गली को करो, नाली बनवा दो, इसमें कीचड़ जा रहा है, इसमें गंदा है, में नाली बनवाओ, ये रोड को बनवाओ, आज तक नहीं बन, 2 घर के निकाल कर पैसा आहरण कर लिए। सीसी रोड बनना था 2 ठी एकाध घर के लिए, उसके राशि निकाल लिए हैं और काम नहीं हुआ है। आप लोग बोले नहीं है सरपंच को? बोले थे। तो क्या बोला? करवाऊंगा कब बोला था। पैसे का पूरा भुगतान कैसे हो गया और आपको कब पता चला ये बात? अभी पता चला है, पहले पता नहीं चला था। हाँ अच्छा, और भी यानी ये जो सड़क निर्माण कराया जाना है इसमें कितने लोगों को फायदा है? इसमें 2 लोगों का फायदा है। 2 लोगों के नाम से बना रहा था? हाँ जी। जिले में कई पंचायत ऐसी हैं जहां कार्य पूर्ण होने के बावजूद राशि भुगतान के लिए सरपंच ऑफिस के चक्कर लगाते नजर आते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बगैर निर्माण के महज प्रस्ताव से पंचायत को राशि का भुगतान कर दिया जाता है। ये बात खुद गांव के सरपंच व सचिव स्पीकर कर रहे हैं। आखिर विभाग सुरदा पंचायत पर इतना मेहरबान क्यों है? निकाली तो वैसे रही सर, वो का हुई जिन हमारे सीओ सर रही से, वो हम बोली दोनों हमला बुला के हमला कि राशि हर लेप से हो जाएगी, अभी रहते हैं मामला ये निकाल लो, काम ला बाद में करा ले, ओकर वेल्डर के डलवा दो या मूलभूत के डलवा दे, ऐसे बोली चुके हमने प्रस्ताव बना के तू देन कि हमारा राशि मूलभूत के अकाउंट में डल जाए, ऐसे करके तो वो राशि है वेल्डर अपन वेल्डर के चल दी जो है। कितने लागत की थी? 2,95,000 का। अच्छा, और इसमें भौतिक सत्यापन उत्यापन सब हो गया? कहाँ सर, वो प्रस्ताव बना कर दिए थे और उसके बाद हम वो सीओ सर दस्तखत कर दिए, उसके बाद वो अपन वेल्डर के खाता में चल दिया। अच्छा, सीसी रोड निर्माण कार्य था 2,95,000 का। हाँ, और कहाँ से कहाँ तक का था? वो था मुख्य सड़क से संदीप पटेल के घर तक और उसके बाद मुख्य सड़क से हरी राम के घर तक। इसमें भौतिक सत्यापन मूल्यांकन हो चुका है क्या? नहीं हुआ है। तो भुगतान कैसे हो गई? हाँ, कैसे हुई भुगतान? वेंडर के नाम से दे दे सर। वेंडर के नाम से दिए होंगे, सत्यापन करा के दिए होंगे ना? सत्यापन कौन किया? नहीं हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर अधिकारी अनभिज्ञ हैं। उन्होंने के न्यूज इंडिया द्वारा जानकारी देने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसमें जैसा अभी आपने मुझे अवगत कराया है कि सुरदा पंचायत में इस तरह का एक मामला सामने आया है, अभी तक मुझे आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, पर जिसे आपने आज अवगत कराया तो हम इसका संज्ञान लेके इसमें जांच की कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से इस गांव में नियम विरुद्ध जाकर राशि को आहरित किया गया है, उसमें सरपंच सचिव के साथ साथ विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। आखिर बगैर निर्माण के बिना मूल्यांकन सत्यापन के राशि का भुगतान कैसे कर दिया गया? नगर पालिका में तो प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई इस पंचायत में देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल है।